बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एडीएम बागपत व एडीएल एसपी बागपत के द्वारा बॉर्डर पर सख्त निगरानी। बागपत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद दूसरे जनपदों में फंसे लोगों का आना हुआ शुरू। जनपद के जिला प्रशासन ने कराई बाहर से आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर टेंट लगा, अधिकारी खिला रहे हैं खाना। अब तक एक दर्जन से ज्यादा बसों में जा चुके हैं 200 से ज्यादा लोग। आला अधिकारी मौके पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा की जा सकती है बॉर्डर पर निगरानी। अमित कुमार अपर जिलाधिकारी बागपत ने बताया कि मजदूर जिस राज्य में फंसे हुए थे उसी राज्य की सरकार इन लोगों को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है। हमारे जनपद में 9 व्यक्ति पहुंचे थे बस के द्वारा, जिनको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। 8 जेंट्स है, वह एक महिला है जो बड़ौद तहसील व जनपद बागपत के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमारे द्वारा जो भी मजदूर दूसरे राज्य से यहाँ पहुँच रहे हैं उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हमारे द्वारा बॉर्डरों पर लगे सुरक्षाकर्मी पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे की ओर भेज रहे हैं। जो भी जनपद में पहुंचेगा उसको पूरी तरह से जनपद के अधिकारियों ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है, जिससे पूर्ण रूप से जनपद को कोरोना जैसी बीमारी से बचाया जा सके। वहीं मजदूरों ने भी बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद हमें हरियाणा राज्य में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जहां हमारी जांच की गई और जांच पूरी होने पर हमें अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम मजदूरों के बारे में घोषणा की थी तभी हमें हरियाणा राज्य की बसों के द्वारा भेजा गया है। हम बहुत खुश हैं अपने जनपद में आने के बाद, मगर सभी 9 के 9 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। ये सभी जनपद बागपत क्षेत्र के मजदूर हैं। नाम इंतजार, कहाँ के रहने वाले? हम बशोद गांव से ही, जो हरियाणा रोडवेज में आए हो आप? जी सर, जो है हम यहाँ से जो है जलालाबाद से आ रहे थे पंजाब से सर जी, और यहाँ पे जो है हिसार में आगे जो है ना उसमें लॉकडाउन में इन्होंने हमें वहाँ पे 29 तारीख में आगे थे वहाँ पे रखा, और जो है ना कल डॉक्टरी वगैरह हमारी होके और सुबह जो है ना यहाँ से बॉर्डर तक आ गए हम जी। यूपी बॉर्डर क्या दिन रहे डॉक्टरी होकर? वह वहाँ पे तो रोज चेकअप ही होता था सर जी, और आज सुबह भी हुआ जी। क्या दिन रहे वहाँ पर? वहाँ पे 29 को आए थे, अब लगा लो आप 25 दिन नहीं ज़्यादा हो गए ना सर। 27 रहने वाले हैं, गाँव बशोद है जी मीतली के पास में सर। कितने साथी हैं आपके? हम जो है सर जी जो है फिलहाल 6 हैं, 5 बशोद के, 1 जीमाने का है। इसको सभी की डॉक्टरी हो चुकी है? जी सर, सब। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? आप अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करे योगी जी ने आदेश दिया था सर, हर आदमी को खुशी होती है अपने घर जाने की। अच्छा, कर्मी है कौन, ड्राइवर है, ये बस किस जिले को जाएगी और इसमें कितने लोग बैठे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं एडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब बैठे हैं। एक कम्युनिटी किचन से खाना बन के आया है, उसमें हम लोग पूछ ले रहे हैं जिनको अगर भोजन नहीं उपलब्ध हुआ हो उनको यहाँ पे भोजन का पैकेट और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जी। कितने लोग आ चुके हैं अब तक उत्तर प्रदेश? अब तक 14-15 बसें आ चुकी हैं, किसी में 27, किसी में 37, किसी में 20, इस तरह जा रहे हैं। एक बस निवाड़ा से आई है जिसमें केवल बागपत के लोग हैं, 9 लोग हैं, उसमें 1 महिला है और 8 मजदूर हैं। उनको अभी 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा सियादवाद कॉलेज में, उसका उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उनको घरों पे फिर भेजेगा, वहाँ भी वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। अच्छा ये बताओ सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो लोग जहाँ आए वहीं पर आया था उनका खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, इनकी मजबूरी क्या हुई सर आने की इधर जो उत्तर प्रदेश में? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री बंद करके चले गए, कुछ ठेकेदारी प्रथा से गए हुए हैं, ठेकेदार मजदूर ले गया और ठेकेदार ही गायब, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। कई लोग पैदल चल दिए, यमुना नदी में चले जा रहे हैं पैदल, उससे अच्छा है ये सुरक्षित ढंग से मेडिकल टेस्ट करके और अपने अपने घरों में जब भेज दिए जाएंगे तो जो ये लाइन ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है सड़कों पे का एक भी, जैसे आपने बम्बई में देखा, इस तरह कोई समस्या नहीं आएगी। तो इनके जो फैक्ट्री बंद करके चले गए सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से? अब वो तो वहाँ का जो सरकारी है वो जिलों में जा रही है, हम लोग यहाँ पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे हैं, यहाँ पे जिनको भोजन और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, मेडिकल की टीम लगी हुई है, वो भी चेक कर रहे हैं, और वो जिस जिले में जाएंगे उस जिले में वहाँ के प्रशासन को उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो वहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बना है वहाँ पे ये क्वारंटाइन हो जाएंगे 14 दिन तक, उसके बाद ही अपने घरों पर जाएंगे। हमारे यहाँ बागपत में भी अभी 9 लोग आ चुके हैं, हम लोगों ने उनको क्वारंटाइन कर लिया है, और उसके बाद 14 दिन तक वो हम लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, उसके बाद ही अपने घरों में जाएंगे, जिससे किसी भी तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं फैले। इनकी जाने की क्या दिक्कत आई सर, जो इन मजदूरों की जो है दूसरे उससे प्रांत से? ये चूंकि वहाँ पे जहाँ ये काम कर रहे थे काम चूंकि बंद है,
और उसके बाद इनकी क्वारंटाइन अवधि उस स्टेट में पूरी हो गई है। तो चूंकि हमारे प्रदेश के निवासी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि प्रदेश के निवासियों को हम अपने प्रदेश में ले आएँ, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। तो वे लोग उन जिलों में जाएंगे और उन जिलों में जो विशेष कैंप हमारे बने हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर, उनमें 14 दिन के क्वारंटाइन होंगे, उसके बाद ही घरों पे जाएंगे और उन